गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू पोम फ्रॉम द बुक बिहाइव एंड द नेम ऑफ द पोम इज द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। दिस इज द टाइटल ऑफ द पोम एंड इनिस्फ्री इज द प्लेस वेयर द पोएट यूज टू लिव व्हेन ही वाज चाइल्ड। And Lake Isle exists in Innisfree. There is a place where the poet spent lots of time. That's why he thought of his childhood, and being inspired of the place, he wrote this. He composed this poem, The Lake Isle of Innisfree. So let's get started and see what are the things the poet reminds of when he used to stay there. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. Actually, whenever he goes to Innisfree, he gets peace and tranquility. That's why he wanted to move from the crowded place to the place where he gets peace and tranquility and live at peace. A place where he spent a lot of time as a poet. Innisfree, the place where he spent lots of time as a poet. This poem is a lyric. So let's get to start the very first stanza of this poem, and it's a very short poem. It's a lyric, that's why it's very short. So who is the author? William Butler Yeats. William Butler Yeats. And short form, W.B. Yeats is the author of this poem. So, what does he say? What are the things the poet reminds of? Let's see the very first stanza. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee lot glad. So what is the meaning of this stanza? Actually, the poet is telling that he wants to go to Innisfree because the place is very the place where he spent as a boy gets lots of peace and tranquility. He felt easiness because it's not a crowded place, it's a lonely place, and it is full of nature. एक लोनली प्लेस एंड फुल ऑफ नेचर है, नेचर से पूरा भरा हुआ है. दैट्स वाई ही इज टेलिंग वेयर एवर ही इज राइट नाउ डैट ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री राइट नाउ. वो अभी इस वक्त उसका दिल चाह रहा है कि वो काश इनिस्फ्री चला जाए, जहाँ पर उसने अपना बॉयहुड स्पेंड किया था. तो कह रहा है कि काश, मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी उठूँ और इनिस्फ्री चला जाऊँ. एंड वट डज ही डू After getting there, he wants to build a small cabin, a small house. He wants to build there a small house. वहाँ पर वो एक small house बनाना चाहता है, build करना चाहता है. और वो house किस चीज़ का बना होगा? Of clay, मिट्टी का बना होगा. And wattles, wattles means twisted sticks for making fences. Twisted sticks for making fences. घर को घेरने के लिए जो छोटे छोटे जो ट्विक्स होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, उनसे एक बाउंड्री बनाने के लिए जो लकड़ियों का, जिन लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड वैटल. ओके,
एंड नाइन बीन रोज विल आई हैव देयर एंड वॉट डज ही डू देयर फॉर हैविंग फॉर ईटिंग खाने के लिए वो बीन्स के प्लांट्स को वहाँ पर ग्रो करेगा एंड आई विल ग्रो मीन्स ही विल ग्रो बीन प्लांट्स जस्ट टू हैव देयर वहाँ खाने के लिए उसका जो फूड होगा वो क्या होगा बीन्स होंगे और वो ही विल सेटल्ड इन अ रो रो में उनको क्या करेगा ही विल प्लांट इन अ रो उन्हें रो में वो प्लांट कर देगा एंड देन जब वो राइप हो जाएंगे जब वो एडेबल हो जाएंगे खाने के जो योग्य हो जाएंगे तो देन ही विल हैव देम तो उन्हें वो खाएगा अ हाइव फॉर द हनी बी एंड देयर विल बी अ हाइव फॉर अ हनी बी मीन्स एक छत्ता होगा यू नो हनी बीज मीन्स मधुमक्खी तो वहाँ कह रहा है कि वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा हाइव होगा हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर एक हाइव होगा मधुमक्खी का छत्ता होगा जहाँ पर एंड लिव अलोन इन द बी लॉट ग्लेट जहाँ पर वो उन्हीं मधुमक्खियों के साथ जो उनकी आवाज़ है उनको सुनेगा और बहुत ही पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फील करेगा एंड वहाँ पर वो रहेगा ही विल स्टे देयर एंड बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ हनी बीज ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा में क्या हुआ व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट स्टैंजा ही वांट्स टू गो टू द इनिसफ्री एंड वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हाउस मेड ऑफ क्ले एंड मेक अ राउंड ऑफ वेटल्स एंड वांट्स टू मेक अ फेंस यूजिंग ऑफ वेटल्स ट्विस्टेड स्टिक्स एंड ही विल ग्रो देयर बीन प्लांट्स जस्ट टू हैव देयर एंड विल सी द हनी बी अ हाइव ओवर देयर एंड ही विल ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ द हनी बीज Now let us see the next stanza and I shall have some peace there for peace comes dropping slow dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wings. So the poet is telling here he will get सम पीस ओवर देयर वेन ही रीचेज देयर जब वहाँ पहुँच जाएगा तो उसे शांति मिला शांति फील करेगा ही विल फील एट ईजी फॉर और वो पीस कहाँ से आएगी वो शांति उसे कहाँ से मिलेगी वो उसे बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू द नेचर द सराउंडिंग ऑफ दैट प्लेस इज फुल ऑफ नेचर प्राकृतिक से भरी हुई चीज़ें वहाँ पर हैं क्योंकि बिकॉज इट्स एन आइलैंड वो एक आइलैंड है इनिसफ्री और इनिसफ्री के चारों तरफ क्या है वेजिटेशंस है ग्रीनरी है लॉट्स ऑफ देयर सो फ्रॉम वेयर डज ही गेट द पीस ही गेट्स पीस व्हेन ही हियर्स द ड्रॉपिंग साउंड्स ऑफ द वाटर जब पानी की लहरें when the waves of the water flashes to the shore he hears the sound of that water जब जब वहाँ पर वो शोर के पास किनारे पर जब वो बैठेगा और जब वो waves लहरें जब किनारे से टकराएंगी it will produce sound और उन्हीं sound को सुनकर he will get पीस उसे शांति मिलेगी और ही आल्सो मेंशनिंग हियर व्हील्स ऑफ मॉर्निंग व्हील्स यहाँ पर घूंघट होता है यू नो व्हील्स घूंघट होता है जो किसी चीज़ को कवर किया रहता है व्हील्स एज यू ऑल नो दैट व्हील्स इज टू बी यूज्ड बाय वीमेन जस्ट टू कवर अप द फेस को कवर अप करने के लिए व्हील्स का यूज करती हैं वीमेन and that is called wheels. So he is selling here as the sun rises in the morning it means at the time of dawn when the morning comes when it is morning
sky is overcast. The sky is full of clouds, and that full of clouds is to be used for whales to the morning. मॉर्निंग के लिए वो जो क्लाउड्स हैं उन्हें वेल कहा गया है, कि जिस तरीके से सुबह अर्ली मॉर्निंग डान के वक्त जो सुबह होती है तो सबसे पहले सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, बल्कि वो जो हमें क्लाउड्स नज़र आते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, छटते हैं, छटने के बाद वो मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो कह रहे हैं कि जब क्लाउड्स तो जब वो अर्ली मॉर्निंग में देखता है, व्हेन ही सीज़ द क्लाउड्स इन द अर्ली मॉर्निंग ही फील पीस, बिकॉज एट दैट टाइम ही हियर्स द चर्पिंग साउंड ऑफ द क्रिकेट, अ काइंड ऑफ बर्ड, ही हियर द चर्पिंग साउंड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स यहां पर बर्ड की बात कर रहा है, और जब उनकी चर्पिंग की साउंड को सुनता है तो ही फील्स एट ईजी, ही फील्स पीस। देयर बी नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब रात के वक्त एट टाइम ऑफ नाइट व्हेन ही सीज टू द स्काई इट इज फुल ऑफ स्टार्स, द नाइट इज फुल ऑफ स्टार, द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स एट नाइट। And when he see the stars at night, he feels easiness. Actually, the poet is expressing the situations he gets there. And noon, a purple glow. At time of noon, noon के बाद क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी, जब सूरज धीरे-धीरे purplish हो जाता है, तो उस purplish ग्लो को देखकर वो क्या फील करता है, इजीनेस फील करता है एट टाइम ऑफ नून। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स एंड व्हेन इट कम्स इवनिंग, जब शाम आती है, जब शाम होती है, शाम के वक्त लिनेट्स मीन्स क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड्स, जब वो आसमान में व्हेन ही सीज इन द स्काई, द स्काई इज फुल ऑफ लिनेट्स एंड दे स्प्रेड देयर विंग्स, और वो अपने विंग्स को फैलाए हुए हैं, आसमान में उड़ रही हैं, और द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स अम्यूजेज द पोएट, गेट्स पीस टू द पोएट। वो फ्लाइट जो है लिनेट्स की, जो उनके जो विंग्स जो ओपन है, जो खुले हुए हैं, उन्हें देखकर वो क्या फील करता है, इजीनेस फील करता है, काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। एंड देन आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। अगेन हियर ही रिपीट्स कि ही विल गो टू द इनिसफ्री जस्ट टू हियर द साउंड ऑफ द वाटर व्हिच कम्स टू द शोर एंड प्रोड्यूस साउंड्स। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart score. Deep heart score means inner part of the heart. Heart का जो inner part है, bottom of the heart, that is called deep heart score. Right now the poet is in a crowded city, and wherever he is right now, he is telling if he is at If he is standing on the roadway, अगर वो किसी roadways पे खड़ा है तो he gets the sense of that tranquility whenever he goes to the Innisfree. जब वो Innisfree जाएगा तो उसकी जो feelings है अभी से वो क्या कर रहा है, express कर रहा है। या फिर वो pavement जानते हो, footpath होता है जहाँ पर लोग walk करते हैं, चलते हैं। कह रहा है कि अगर मैं रोडवे पे खड़ा हूँ या पेवमेंट पे खड़ा हूँ, तो जब मैं पेवमेंट पे खड़ा होता हूँ या रोडवेज पे खड़ा होता हूँ, तो मैं मुझे बहुत याद आती है इनिसफ्री की, जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया था, और मैं मन करता है कि मेरा मैं अभी खड़ा हूँ और इसी वक्त कहाँ चला जाऊँ, इनिसफ्री चला जाऊँ। आई हियर इन द डीप हार्ट स्कोर बिकॉज आई फील टू बी देयर just to get peace and tranquility.
मन कर रहा है कि मेरा वहाँ अभी मैं चला जाऊँ और उन सारी जो नेचर्स की जो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है उन एटमॉस्फेयर का मैं इंटरटेनमेंट कर सकूँ और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को फील कर सकूँ. बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड लिविंग इन अ सिटी. शहर में रहकर वो डिप्रेस्ड हो चुका है एंड ही लॉस्ट मच ऑफ हिज पीस एंड हैप्पीनेस. ही इज वेरी सैड लिविंग एट द प्लेस ही इज राइट नाउ. दैट्स व्हाई ही वांटेड टू लीव दैट प्लेस एंड वांट्स टू गो टू द इनिसफेरी टू गेट बैक ऑल दोज थिंग्स जस्ट टू डिमिनिश हर सैडनेस हर डिप्रेशंस. ही विशेस टू गो देयर राइट नाउ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये आपकी फॉर्म मैंने एक्सप्लेन कर दी है उसके मैं आई हैव एक्सप्लेन द फॉर्म्स एंड आई विल सेंड अप द पीडीएफ ऑफ दिस फॉर्म. एंड टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ दिस फॉर्म. थैंक यू सो मच.